بسم الله الرحمن الرحیم। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बड़े खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मैं अब अपने एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम यूट्यूब पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं या हम गूगल का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है। दोस्तों सिंपल वे है, इसमें आपने सबसे पहले अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर लें या डायरेक्ट आप यूट्यूब में जाकर लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद चलें मैं आपको बता ही देता हूँ कि आपने लॉगिन कैसे करना है। अच्छा ये मैं लॉगिन, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, मैं आपको बता दूंगा लॉग आउट कैसे करना है आपने। तो लॉग आउट आपने यहाँ से क्लिक करना है, उसके बाद ये साइन आउट लिखा है ना, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है तो आपका साइन आउट हो जाएगा। ये ईमेल एड्रेस यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं आपको अब दोबारा लॉगिन करके दिखाता हूँ। इसको साइन आउट किया, यहाँ से दोस्तों इसको फिर मैं ये साइन इन किया मैंने यहाँ से। यहाँ पे जाके मैं ये ऑलरेडी मेरा लॉगिन आ रहा है यहाँ पे, ये देखें ना आ रहा होता तो ये देखें ऐसे आ जाएगा। ये रिमूव कर दें यहाँ से अकाउंट, अब सारा कुछ ख़त्म कर दें इसको, ये ले यस रिमूव। अच्छा अब ये आ गया, ऐसे आएगा ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे अपना ईमेल मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, नेक्स्ट किया। इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा अपना जो मेरा पासवर्ड था, ठीक है। इसको आप क्लिक करके आप पासवर्ड देख भी सकते हैं जो मैं लिखा था, ठीक है। लेकिन इसको हाइड रहने दें जब कोई आपके पास बैठा हो तब, ताकि वो दूसरा बंदा आपका पासवर्ड देख ना सके। यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और ये आपका लॉगिन अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँगी, अगर आप इसका पासवर्ड चेंज करना पड़ चाहते हैं तो आपने सिंपली इसमें जाना है गूगल अकाउंट, इसमें चलें आप, यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी, साइन सिक्योरिटी आ रहा है इधर, और इधर यहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस हैं, इसी में से कई ऑप्शन इसने लिखी हुई है कि आप पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक मिनट, 25 दोस्तों ये देखें ये लिखा है साइन इन एंड सिक्योरिटी। तो इसमें आपने जाना है पहले ऑप्शन में, इसमें जाने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन शो कर रहा है आपके पासवर्ड की। तो ये बता भी रहा कि आपने लास्ट पासवर्ड 25 मिनट पहले मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया था, तो ये भी बता रहा है कि मैंने 25 मिनट पहले अपना पासवर्ड लिखा था। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये पासवर्ड के अंदर ले जाएगा जहाँ से हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो अब ये पासवर्ड चेंज करने से पहले कह रहा है कि आप यहाँ पे अपना पुराना पासवर्ड लिखें। ये अपना मैंने पुराना पासवर्ड लिखा, अपना जो ओल्ड पासवर्ड है, उसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। लेकिन दोस्तों उसने हमें अब नए ऑप्शन दिया कि यहाँ पे हम अपना कोई नया पासवर्ड लिख लें। तो ये पासवर्ड नहीं, मैं अब आपको शो करूँगा ये ना हो कि कोई मेरा पासवर्ड चोरी कर ले। तो दोस्तों मैं अब यहाँ पे अपना कोई नया पासवर्ड लिख रहा हूँ। यहाँ से मैं ये दोनों अपने पासवर्ड सेम होने चाहिए आपके, तो बेहतर ये होता है कि आप कोई भी बीच में, जैसे मैंने आपको पहले पासवर्ड बताया था, आपने उस टाइप का पासवर्ड रखना है वो ज़्यादा सिक्योर होता है। आपने जस्ट ये कैपिटल या स्मॉल लेटर नहीं लिखने, बल्कि आपने कोई भी बीच में सिंबल का निशान डालना है या कोई काउंटिंग वाला अपना कोई नंबर लिख लें। तो और पासवर्ड में आपने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में भी कुछ वर्ड्स लिखने हैं, इससे ये होता है कि आपका पासवर्ड जल्दी हैक नहीं होता। तो इसके बाद हम यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूँगा मैं, तो ये हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा।
ये देखें, ये शो कर रहा है कि योर पासवर्ड वॉज चेंज, तो यहाँ से हम गेट स्टार्टेड करते हैं। ये देखें, ये सारा यहाँ पे शो कर रहा है कि योर डिवाइस वन साइन इन डिवाइस, तो ये सारी डिटेल बता रहा है कि आपके जो आप अकाउंट है इस टाइम वो कितने मोबाइल में या कितने कंप्यूटर में एक्टिव है। तो दोस्तों, यहाँ से मैं कंटिन्यू टू योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करूँगा। ये देखिए, मेरा वो पासवर्ड चेंज हो गया। अब मैं दोबारा यहाँ पे गूगल में आता हूँ, और बेहतर यह है कि इसको मैं यहाँ से एक बार रिफ़्रेश कर लूँ। रिफ़्रेश करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर अब मैं यूट्यूब ओपन करूँगा। यूट्यूब ओपन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उसने यूट्यूब को भी लॉगिन कर देना है। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, कि हमने यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये हमने YouTube ओपन किया तो उसने ऑटोमेटिकली इसको लॉगिन कर दिया। हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम हमारे चैनल पर जाएंगे। हमारे चैनल पर जाने के बाद ये सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है कि हमने अपने अकाउंट का नाम क्या रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही नाम लिख देता हूँ, माई न्यू चैनल। ठीक है, ये नाम हमारे YouTube चैनल का नाम शो होगा, ये वाला जहाँ पे हम लिखेंगे उसको, यानी कि ये वो नाम है जो हमारे YouTube का असल नाम होगा और ये शो भी होगा वहाँ पे। यहाँ से मैं क्रिएट चैनल पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, ये एक पेज ओपन हो गया है आगे। यहाँ से कस्टमर चैनल में कर सकता हूँ, ये YouTube बीटा स्टूडियो जो कि नया है, इसका व्यू आया। व्यू से ये हुआ कि ये जो हम देख रहे हैं फ्रंट स्क्रीन पर, इस पर क्लिक करने से ये एक नया जो थीम है वो लॉन्च हो जाएगा, और इसमें और भी बहुत सी नई ऑप्शंस हैं। तो ये तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सिंपली वीडियो कैसे अपलोड करनी है। तो आप सिंपल आपने इस निशान पर क्लिक करना है, ये कैमरे के निशान पर। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन दे रहा है, अपलोड वीडियो, गो लाइव। तो अपने अपलोड वीडियो पर क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, अपलोड वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपने ये देखें, एक पेज ओपन हो गया आगे। मैंने इसको कंट्रोल दबा कर क्लिक किया ताकि वो ज़्यादा पेज खुल जाए। ठीक है, यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके भी ओपन न्यू टैब कर सकते हैं। तो ये नया ये यूट्यूब चैनल खुल गया, यहाँ से मैं अपनी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ दोस्तों। दोस्तों, मैंने एक वीडियो सेलेक्ट किया जो मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। पहले तो मैं इरादा था कि मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊं, लेकिन मैंने कहा चलें अभी टाइम है तो थोड़ा सा मैं आपको वीडियो को बता दूंगा, वीडियो हम किस तरह अपलोड कर सकते हैं। तो आपने सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है, उसके बाद जहाँ वीडियो पड़ी होगी मैंने डेस्कटॉप पर रखी है, तो आपने वहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक किया। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे जहाँ वीडियो पड़ी है, वीडियो पड़ी है इस पर मैं क्लिक किया, मैंने ये ओपन कर दिया। ठीक है, ये देखें हम ये अपलोड हो रही है। यहाँ पे हम वीडियो का टाइटल लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कोई भी लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वो हम डिस्क्रिप्शन वही लिखें जो ज़्यादा बेटर हो। ये टैग्स होते हैं, टैग्स ये वो वर्ड्स होते हैं जिनके जो हम जब भी हम यूट्यूब पर जाते हैं तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख कर सर्च करते हैं, तो जो हम सर्च करते हैं वो यही वर्ड्स होते हैं जो हमारी हमें वीडियो तक पहुँचाते हैं। फर्ज करें, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर नोकिया, ये जो आ रहे हैं ये सब टैग हैं, ये इनको कीवर्ड भी कहा जाता है। तो आप कोशिश करें, आप जो भी आप लिखना है, फर्ज करें मेरी अगर ये वीडियो नोकिया से रिलेटेड है तो मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर जाकर पहले लिखूँ गूगल यूट्यूब पर जाकर आप नोकिया लिख लें। ठीक है, आगे स्पेस दबाई मैंने, नीचे ये वर्ड्स आ गए हैं। कोशिश करें कि आप इन्हीं वर्ड्स को उठाकर यहाँ पर लिखें ताकि आपकी वीडियो भी अच्छे रैंकिंग में आ सके। इसके लिए आपको YouTube SEO के बारे में जानना पड़ेगा। YouTube SEO से आप ये टेक्निक सीख सकते हैं कि आपने टाइटल कैसे लिखना है। ये देखें दोस्तों, ये अपलोड हो रही है, अभी उसके आगे प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। ये भी जब वीडियो 100 तक अपलोड हो जाती है उसके बाद ये फिर प्रोसेसिंग शुरू होती है, ये भी 0 से लेके 100 तक होती है ये। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी, ये ट्रांसलेट है ये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये एडवांस सेटिंग है, इसमें डिफरेंट आ जाती हैं, यहाँ पे ऑप्शन हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं।
ये दोस्तों आ गया थंबनेल। ये वो पिक्चर है जो आपकी वीडियो के शुरू में यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, जैसा कि ये हम कोई भी चैनल खोलते हैं तो उसके यहाँ पे बहुत सारी वीडियो शुरू, यूट्यूब पे जो वीडियो शो हो रही होती हैं उनकी ये इमेज शो हो रही होती है यहाँ पे, ये वाली ये इमेज वीडियो के फ्रंट पे डिस्प्ले हो रही होती है। अच्छा, यहाँ से हम ये पब्लिश करेंगे, अब इसको आप कस्टम भी अपलोड कर सकते हैं। ये देखें, सेट एज थंबनेल, ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा तो हम इसको कस्टम भी अपलोड कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी की कोई अलग डिफरेंट भी अपलोड कर सकते हैं। अपने यहाँ पब्लिश पे हम क्लिक करेंगे तो ये वीडियो हमारी पब्लिश हो जाएगी। ये देखें, यहाँ से हम शेयर भी कर सकते हैं किसी भी चैनल पर। यहाँ से रिटर्न टू एडिट, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, एडिट करने के बाद ये देखें, यहाँ पर फ़िलहाल तो ये ऑप्शन डिस्प्ले नहीं कर रहा। यहाँ पे एक ऑप्शन आती होती है कि हम अपनी मर्ज़ी की थंबनेल अपलोड कर लें, तो यहाँ पे हम टैग वगैरह लिख सकते हैं, ये बताया मैंने आपको सारा, ठीक है। ये तो तरीका था दोस्तों कि हम किस तरह यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि इस पर हमने वीडियो भी कैसे अपलोड करनी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं है, कोई नेक्स्ट आने वाली और वीडियो आपको पसंद आ जाएगी। तो अगर नहीं आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, अगर पसंद आ गई है तो आप इसको लाइक कर दें और हमारा चैनल देखते रहिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो में बहुत सी चीज़ें मिलेंगी कि आप यूट्यूब पे काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत सी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और मैं ये कोई आज से काम नहीं कर रहा, मैं तकरीबन 8-9 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मैं अपने जो पहले मैंने काम किया है वो अपने फ्रेंड्स को मैंने सपोर्ट किया है, उनको बताता रहूँ कि काम कैसे करना है अपने, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कर भी रहे हैं, बहुत से रिलेटिव्स भी हैं जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मैंने तो ये काम छोड़ दिया था, लेकिन मैं अब ये दोबारा काम अपना अब मैंने शुरू किया ये वाला, तो टीचिंग छोड़कर मैंने अब ये दोबारा शुरू किया अपना काम। पहले मैं जस्ट सिखाता ही था लोगों को कि ये किस तरह काम करना है, तो मैंने देखा कि बहुत से मेरे जो स्टूडेंट हैं उनकी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है। मैं आपको उनके चैनल भी शो करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि उनके तो इस टाइम 70,000+ सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो वो आपको मैं सारी डिटेल बताऊंगा, आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सब आपको बताऊंगा कि आपने काम कैसे स्टार्ट करना है। तो दोस्तों देखते रहिएगा मेरे वीडियो और लाइक करते रहिएगा, कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा इसके बारे में। थैंक यू।